Hello everyone, my name is Tananjay and welcome to another video Akshay Volleyball Mobile Edition. तो आज हम बैसिलोसॉरस को पकड़ने वाले हैं. तो मैं आपको बैसिलोसॉरस के बारे में सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि उसका बेस्ट लोकेशन बैसिलोसॉरस कहाँ पे मिलता है, उसके बाद उसे टाइमिंग के लिए क्या लगता है, सब बेसिक चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है. तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बैसिलोसॉरस को पकड़ने के लिए हमें टेरिजिनोसॉरस का किबल चाहिए होता है, मतलब टेरिजिनोसॉरस का किबल. तो मैं उसे बना देता हूँ. और मैं स्मूदनिंग बाम भी ले लेता हूँ दोस्तों, जल्दी से टाइम होना चाहिए इसलिए. देखिए हो गया है हमारा काम. तो अभी चलते हैं हमारे क्रिएचर की तरफ. दोस्तों अगर आपको बैसिलोसॉरस को पकड़ना होगा तो आप इचिलोसॉरस, मतलब ये जो फिश होता है डॉल्फिन जैसा, इसे टैम कर लेना. क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बैठ कर समंदर में सवारी करते हैं तो फिर हमें दूसरे क्रिएचर नहीं मारते, और ये जो होते हैं डॉल्फिन जैसे दिखते हैं इचिलोसॉरस, ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, हम पर हमला भी नहीं करते. तो इसलिए ये बेस्ट वे हम इनके ऊपर बैठ कर जा सकते हैं बैसिलोसॉरस को पकड़ने. चलिए दोस्तों हम चलते हैं. मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और बैसिलोसॉरस मिलने पर मैं वीडियो फिर से रोक देता हूँ. चलिए दोस्तों ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो सामने एक बैसिलोसॉरस है, और हम उसे अभी टेम करने वाले हैं. उसका लेवल 20 है. तो दोस्तों चलिए हम उसे टेम करते हैं. मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ. तो लोकेशन देख लीजिए मैप में, ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड के पास बहुत अच्छे अच्छे रेयर क्रिएचर्स मिलते हैं समंदर में, रेयर क्रिएचर्स. तो चलिए दोस्तों हम उसे टेम करते हैं. तो सबसे पहले मैं अपना स्मूदनिंग बाम यूज़ करने वाला हूँ उस पर. उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना टेरिजिनोसॉरस का किबल.
देखिए ओनली वन केबल लगा है दोस्तों उसे अटेम्प्ट करने के लिए। सौरभ पे पैसे को सौरभ समारोह हो चुका है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा है बैसिलो सॉरस। उसका लेवल हो गया 29 और हेल्थ है 4800 और एक मेल है दोस्तों। तो आप देख सकते हो बड़े आसानी से हमने इसे पकड़ लिया है। फिर आपको करना क्या है, आपको इस डॉल्फिन के ऊपर बैठना है और तभी आपको समंदर घूमना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर होता क्या है, आपके ऊपर दूसरे क्रिएचर्स फिर अटैक कर देते हैं, तो आपको थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए दोस्तों हमने पकड़ लिया है और अभी उसका युद्ध भी हो गए शार्क के साथ। हम देखते हैं कि वो तीन शार्क को मार पाता है या नहीं। हमारा बैसिलोसॉरस वर्सेस मेगलोडॉन, 3 मेगलोडॉन। तो देखिए हम एंजॉय करते हैं हमारा इस वीडियो को। हमारा बैसिलोसॉरस मेगलोडॉन को मार पाता है या नहीं। अगर उसने मार दिया तो हम उसे घर पर लेके जाएंगे, अगर नहीं मार पाया तो हम उसे यहीं छोड़ देंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा बैसिलोसॉरस मार पाता है या नहीं। तो उनमें घमासान युद्ध चालू हो गया दोस्तों, बैसिलोसॉर वर्सेस 3 शार्क। बैसिलोसॉर शार्क पर भारी पड़ रहा है, शार्क बैसिलोसॉर पर भारी पड़ रही है। हमारे बैसिलोसॉर ने एक शार्क को मार दिया है दोस्तों और उसे खा भी गए। विद 2 शार्क वर्सेस बैसिलोसॉरस, हमारा बैसिलोसॉरस बहुत स्ट्रांग लग रहा है। देखिए उसका युद्ध चालू है, उसका हेल्थ बचा है, उसका हेल्थ बचा है, कितना बचा है हमारा स्ट्रांग बैसिलोसॉरस है। देखिए दोस्तों उसने और एक शार्क को मार दिया, 2 शार्क को मार दिया, अभी और सिर्फ एक शार्क बचे है दोस्तों, बैसिलोसॉरस वर्सेस 1 शार्क। तो हम देख सकते हैं तो 3 शार्क को मार दिया है बैसिलोसॉरस ने। हमारा बैसिलोसॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हम इसे आप लेके जाने वाले हैं घर। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।